फिरोजाबाद के सदर बाजार के दुकानदारों ने लगाया आरोप। सौंदर्यकरण के नाम पर नगर निगम परेशान कर रहा, जिसको लेकर व्यापारियों ने दिखाया एकजुटता। मंगलवार को फिरोजाबाद सदर बाजार के दुकानदार ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर नगर निगम का जमकर विरोध किया। दुकानदारों की माने तो नगर निगम सालों के समय सौंदर्यकरण के नाम पर परेशान किया जा रहे हैं। इस कहा है कि अक्टूबर के माह में इस कार्य को कराए व्यापारी सहयोग करेगा। मेरा नाम शरद कुमार। क्या मामला है, किस तरह की बात? मामला गली का सौंदीकरण को लेकर है, और सौंदीकरण कराए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सौंदीकरण के अंतर्गत पहले जो जो ऊपर का आता है, तार की वायरिंग है, लट्टे हैं, टीन है, इन सब का सौंदीकरण कराया जाए। और नगर निगम अपने ऐसे चली आई है हथेलियों पर सरसर जमा के, तो इस तरीके से थोड़ी होता है। दुकानदारों को समय दें, टाइम दें, दिवाली तक का टाइम देना चाहिए। वैसे भी ग्राहकी और दुकानदारी कुछ भी है नहीं है, थोड़ा सा रक्षाबंधन कब हुआ तो एक दो महीने जिसमें खराब कर देंगे। हमारा नगर निगम से अनुरोध है, आप दिवाली बाद ये सारे आएँ, जो भी काम करें दिवाली के बाद में काम करवाएँ। हम दुकानदार खुद सहयोग करके उनका जैसा वो चाह रहे हैं। किस तरह का कार किया जा रहा है, क्या मामला है? नहीं, कार तो वो बता रहे हैं, अभी तो कुछ हुआ तो है नहीं है। वो यह कह रहे हैं टीन उतरवाएंगे, रंगों से पुतवाएंगे, पर्दे लगवाएंगे, ये सब काम अभी नहीं करें तो ही अच्छा है। दीपावली बात कर लें, उस समय पे हम सब दुकानदार मिलकर सहयोग कर देंगे नगर निगम। आपका मेरा नाम संजय अग्रवाल है। क्या मामला है, किस तरह की मामला ये है साहब कि बौरान गली में जो सौंदर्यीकरण करने के नाम पे जो काम हो रहा है, बहुत सुंदर बात है, लेकिन हम बौरान गली के दुकानदारों की एक डिमांड है कि यह काफ़ी समय से टॉयलेट की मांग करते आ रहे हैं, आज तक सुनवाई नहीं हुई है। और इसके बाद में बिजली के तार किस तरह लटक रहे हैं, जो उस पर भी कोई काम नहीं हो रहा है। अब ये लोग क्या चाह रहे हैं कि हम ये टीन भी उतरवा दें और कपड़े के पर्दे लगवा दें, जो कि बंदर महीने 15 दिन में फाड़ जाएंगे और बौरान गली की व्यवस्था और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो हम लोग चाह रहे हैं कोई परमानेंट और अच्छी तरीके का काम किया जाए, इस तरह से कपड़ों के पर्दों से काम नहीं चलेगा। बस यही हम लोगों की डिमांड है, और उससे पहले टॉयलेट की और बिजली के तारों की समस्या का हल किया जाए। और अगर हो सकता है बौरान गली में जो आए दिन बारिशों में पानी भरा रहता है घुटनों तक, उसका भी हल निकाला जाए।